शिवपुरी के जिला अस्पताल में कैदी की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। दरअसल विचाराधीन कैदी महेश धानुक 7 महीने पहले 1.5 वर्ष की बच्चों के बलात्कार के आरोप में शिवपुरी की सर्किल जेल में बंद था। इस दौरान आज सुबह कैदी महेश की जेल में तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे शिवपुरी जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंचे कैदी महेश धानुक के परिजनों ने जिला अस्पताल में हंगामा कर दिया। कैदी महेश धानुक की पत्नी सारा धानुक ने हत्या का शक जताया है। डेथ हुई है जेल से आए हुए कैदी की, क्या मामला है ये पूरा? इस कैदी का नाम महेश धानुक है, जो आज सुबह 5 बजे एडमिट कराया गया था। इतना 6-7 महीने पहले एक 1.5 साल की बच्ची के साथ रेप करने के जुर्म में इसको बंद किया था 376 पासवे एक्ट में। तो ये जब से जेल में बंद था, आज सुबह अचानक इसको 5 बजे के आसपास घबराहट की शिकायत हुई, लाके यहाँ एडमिट कर दिया था और अभी ये खत्म हो गया। लेकिन अस्पताल के रिकॉर्ड में एडमिट नहीं बताया जा रहा उसे। अब ये सारा मैं अभी दिखवा देता हूँ। सर, ये जो आज आपके यहाँ पर कैदी भर्ती था महेश, किस तरह से इसकी डेथ हुई है और क्या हुआ था, इसको क्यों हॉस्पिटल लाना पड़ा? कुछ नहीं, सुबह जेल खुली, मुख्य प्रहरी आया था, जो बंदी हाथ पे पटक रहा है, हम तत्काल गए उसको निकाला, निकाल के ले आए तो उसके गेट में कफ आया, उसे कफ आया, जो जल्दी तत्काल लेके हम आए, दो प्रहरी हमारे साथ में आए, जब डॉक्टर ने कर दिया। पहले से कुछ नहीं, कभी कोई बीमार नहीं था, अचानक से आया, अचानक। सर, सुबह कितने बजे की घटना है ये? 5 की आसपास।